भगत जनू, बात करते हैं 15वीं-16वीं शताब्दी के संपूर्ण आसाम क्षेत्र की। उस समय संपूर्ण आसाम क्षेत्र और बहुत सा उत्तरी बंगाल का भाग कामरूप कहलाता था, परंतु संपूर्ण कामरूप में उस समय बर्मा के शान कबीलों के आक्रमणों के कारण भारी उथल पुथल मची हुई थी। धार्मिक क्षेत्र में भी तांत्रिक मत के शक्ति के उपासकों और वैष्णव मत के भक्तों में परस्पर भारी सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा था। ऊपर से मुसलमानों ने भी अपने पांव जमाना शुरू कर दिया। कामरूप में वामाचारी तांत्रिक मत का बहुत जोर था और इसका प्रभाव संपूर्ण बंगाल पर प्रत्यक्ष देखने में आता था। इतिहासकारों ने कामरूप और बंगाल के केवल राजनीतिक इतिहास में ही रुचि दिखाई, इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की यदि समय पर ही संतोषजनक खोज की गई होती तो गुरु नानक का इस क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ा उसकी अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती थी। भगत जनों, जन्म साखियों में कामरूप और ढाका के संबंध में कुछ सुनी सुनाई अधूरी जानकारी मिलती है, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी अंकित नहीं की गई, परंतु इन साखियों की अधूरी एवं काल्पनिक जानकारी के मूल में भी एक वास्तविकता अवश्य छिपी हुई मौजूद है। गुरु नानक देव मालदा से मुरादाबाद गए, जहां एक नौजवान कवि शाहजू शाह गुरु नानक का शिष्य हुआ। उसने बाबा जी की अधिकांश वाणी को उतार कर अपने पास रखा और स्वयं भी एक बहुत सुंदर कविता गुरु महाराज के सिद्धांतों और व्यक्तित्व के बारे में लिखी। ढाका को जाते हुए गुरुजी गोदागिरी, गोपालपुर, कृष्णगंज और पबना नगर में ठहरे। मार्ग में गुरुजी को एक नाथपंथी योगियों का संघ मिला। इनका मुखिया रामदेव बड़ा तपस्वी और सुविज्ञ पुरुष था। यह गुरु नानक के दर्शन से बहुत प्रभावित हुआ और उनकी शरण में आया। भगत जनों, ढाका में उस समय 52 बाजार और 58 गलियां थी, इसीलिए इस शहर का नाम बावना बाजार निप्पन गली प्रसिद्ध हो गया। ढाका को ही कई मध्यकालीन पश्चिमी लेखक बंगला कहते हैं और बंगाल को ढाका बंगला कहकर पुकारते हैं। इस शहर को यूरोप के यात्री ढाका कहते थे, इसी को बंगला भी कहते थे। जन्म साखी बाला में इसे ढाका बंगला का नाम दिया गया है। भगत जनों, ढाका नगर ढाकेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। गुरु नानक के समय में यह ना तो बंगाल की राजधानी थी और ना ही अधिक आबाद था। ढाकेश्वरी मंदिर के आसपास उस समय भी घने जंगल थे। शब्द ढाकेश्वरी का अर्थ है वह देवी जो जंगलों और वृक्षों से ढकी और घिरी हुई हो। बंगाल में उस समय छोटी छोटी अनेक रियासतें थी और प्रत्येक रियासत स्वेच्छाचारी थी। ढाका में पानी की उस समय बहुत कमी थी। नदियों के जल के सिवा कहीं पानी ना मिलता। यदि कहीं कुआं खोदने पर कुछ पानी निकलता भी था तो वह खारी होता था। गुरुजी ने यहाँ पर एक कुआं खुदवाया। इस कुएं का पानी बहुत मीठा था। गुरुजी यहाँ चैत मास में आए थे, इसलिए अब तक चैत के महीने में ही इस कुएं पर हिंदू मुसलमान गुरु नानक के ढाका में प्रतापण करने की खुशी में एकत्र होते हैं। अब तक यहाँ के निवासियों का विश्वास है कि इस कुएं के पानी में कोई चमत्कारिक शक्ति है। भक्त जनों, सबसे बड़ा चमत्कार गुरु नानक देव जी का यह है कि ढाका में जो उन दिनों एक साधारण बस्ती थी, उन्होंने उसे अपने धर्म प्रचार का केंद्र बनाया और यह छोटा सा ग्राम उत्तरोत्तर विकसित होता गया और अंत में पूर्व प्रदेश की राजधानी
और भारत का सबसे महान, समृद्ध और औद्योगिक शहर बन गया। सदियों तक यहाँ गुरु नानक की प्रज्वलित ज्योति जलती रही और गुरु मत धर्म का प्रचार इतना प्रफुल्लित हुआ कि गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरुत्व काल में यहाँ 12 संतें विद्यमान थी। यहाँ के राजा, महाराजा, नवाबों और दीवानों ने गुरुद्वारों को इतनी भूमि दान दी कि आज भी ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका अस्पताल आदि सभी संस्थान गुरुद्वारा के महंतों से भूमि क्रय करके बनाए गए हैं। ढाका नगर के आसपास का स्थान बहुत रमणीय होने के कारण यहाँ के जंगलों में नाथपंथी योगियों, तांत्रिक साधुओं और जपी तपी सूफी साधुओं के अनेक डेरे थे। इन डेरों पर बहुत से पीर, फकीर और साधु जन गुरु नानक देव जी को मिले। इनमें से कुछ महापुरुषों के नाम इतिहास में इस प्रकार दर्ज हैं, जैसे लुटिया सिद्ध, मैलनाथ, रविदास, नारायण दास और चांदनाथ। भगत जनों, ढाका से कुछ दूरी पर सोनार गांव, जिसे स्वर्ण गांव भी कहा जाता है, सुनहरी शहर भी कहा जाता है, स्थित है। यह पांच पीरों का स्थान था। यहां पांचों पीर गुरु नानक के आगमन काल में जीवित थे और सूफी जो ढाका के इर्द गिर्द रहते थे उनके नाम इस प्रकार हैं: नुसरत शाह, बाबा सलीह, हजरत शाह अली जो बगदाद से 50 सूफी फकीरों सहित यहां आया था, अहमद शाह जिसका नाम सिख ऐतिहासिक रचनाओं में भी आया है। संभव है कि बहुत से इन सूफियों का गुरुजी से मिलाप, वार्तालाप हुआ हो। यहां गुरु महाराज का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे यहां भी अपना प्रचार केंद्र मंजी स्थापित कर गए और यह मंजी उत्तरोत्तर गुरसिक्खी का एक महान केंद्र बन गई। गुरु हरगोबिंद महाराज के समय ढाका का महंत भाई मोहन था, जो गुरुजी के दर्शन करने के लिए पंजाब आया। सोना ग्राम के पास गुरुजी का एक दमदमा साहिब गुरुद्वारा है। छठे गुरुजी ने उदासीन मुखिया अलमस्त को इस क्षेत्र में गुरमत का प्रचार करने के लिए भेजा। उसने और उसके उत्तराधिकारी उदासियों ने बंगाल में बहुत प्रचार किया। ढाका में इस समय भी गुरु नानक देव से संबंधित दो मंदिर और दो कुएं मौजूद हैं। जो दूसरा कुआं शहर में है वह संभवतः अलमस्त या उसके पीछे किसी अन्य उदासी ने खुदाया मालूम होता है। भगत जनों, इसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह का एक हुक्मनामा जो उन्होंने ढाका, सिलहट, चटागांग और सोनद्वीप के संगत के नाम लिखा था, वो भी सुरक्षित संभाला हुआ है। इस हुक्मनामा में मुखी मसंदों और संगतों को इस प्रकार संबोधित किया गया: श्री गुरु जी की आज्ञा है, भाई हुलास चंद बख्शी चंद, संपूर्ण ढाका की संगत, चिटागांव की संगत, सोनद्वीप की संगत, सिलहट की संगत, संपूर्ण संगत की गुरु रक्षा करेगा। अच्छा जंगी हाथी भेजना, अव्वल संगत निहाल होगा। भगत जनों, इससे स्पष्ट है कि सिलहट, चिटागांग, सोनद्वीप में बड़ी भारी संगतें थी जो गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा में हाथी भेजती रही। ये संगतें प्रथम गुरु नानक ने स्थापित की और फिर गुरु तेग बहादुर ने उनका पुनर्जागरण किया। गुरुजी ने एक वामाचारी बंगाली जिसका नाम देवी प्रसाद बोस था को गुरु सिक्खी दृढ़ कराई। तांत्रिक मत का उन दिनों बंगाल में बहुत प्रभाव था। सिलहट के क्षेत्र में उन दिनों तीन राज्य थे, लडर, गडर और जैतिया। इन प्रांतों में ये सब नगर आ जाते थे: सुनामगंज, खासिया, पर्वत, हबीबगंज, अमीरगंज, नबीगंज, शकरपासाच, जातिया और सिलहट। सिलहट करामाती सूफी फकीरों और नपुंसकों के लिए प्रसिद्ध था।
यहाँ से हिचड़े मुगल दरबारों में भेजे जाते थे। सर्वप्रथम यहाँ शाह जलाल ने सूफी मत का प्रचार किया। यह निजामुद्दीन ओलिया का समकालीन था। चिश्ती संप्रदाय के फकीरों में तो गुरु नानक पहले ही बहुत आदर सम्मान प्राप्त कर चुके थे। शाह जलाल जैसे सूफी पीरों के साथ इनका मिलाप महत्वपूर्ण रहा होगा, परंतु इतिहास में इसकी कोई साखी नहीं।